कि जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती लेकिन वो इस बिजनेस में जाना चाहते हैं क्योंकि पैसा बहुत है। तो छोटी पूंजी लगा के कैसे महीने के आप 25 से 50,000 रुपए कमाएंगे, इसी पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सुबह हो शाम हो, चाय के चुस्की के साथ रस्क का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके बिना चाय की चुस्की बेकार सी लगती है। ये बनता कैसे है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यानी कि अगर आप रोज़गार की तलाश कर रहे हैं तो इस ऐसे टेस्टी बिस्किट कहिए, रस्क कहिए, बेकरी का आइटम कहिए से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं बहुत ही कम लागत में। आइए आज इसे बनाने वाले मशीन के बारे में जानते हैं, उसकी कीमत जानते हैं, जानते हैं कि वो क्या क्या कितनी जगह बनता है, कितना बिजली कंज्यूम करता है, ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। और स्वागत करते हैं प्रिया जी का। प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी नमस्कार आपके दर्शकों को हमारे आज कंपनी में आने के लिए, जहां आपको ढेर सारी मशीनें देखने को मिलेंगी, जैसे कि सर ने अभी आपको खा के टेस्ट करके बताया कि बहुत मज़ेदार चीज़ है जो कि सबकी सुबह की पसंद होती है। तो आज इसे ही भी चर्चा करने वाले हैं हम और सर, कैसे कैसे ये चीज़ बनाई जाती है, सभी चीज़ों को हम एक एक करके जानेंगे। जी बिल्कुल, तो मैम देर नहीं करते हैं, शुरू ही कर देते हैं। ये मशीन क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इसके बारे में बताइए। मशीन की बात करूं, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखने में तो काफ़ी बड़ी मशीन लग रही है लेकिन जो कि काम भी हमारे बड़े बड़े करती है और 365 दिन चलने वाले करती है। यानी कि खाने की बात करें, जो सुबह का टेस्ट लेके शाम का टेस्ट होता है, तो इस मशीन को बोलते हैं सर बेकरी आइटम। यानी कि एक नहीं दो नहीं 10 तरह की चीज़ें बनाने वाला आइटम मशीन, जिसमें कि आपका रस्क आता है, पापे आता है, ब्रेड आता है, आपका बच्चों की पसंद बोलें तो इसमें पिज़्ज़ा बनता है। अच्छा। हाँ जी, साथ ही साथ इसमें केक बनता है, बेकरी बिस्किट्स बनते हैं, मतलब सारी वही चीजें तैयार की जाती है जो हम सभी की पसंद होती है। सभी की पसंद होती है, बिल्कुल। तो ये कितना बिजली कंज्यूम करता है? सर ये ज़्यादा बिजली नहीं करता कंज्यूम, आपकी मात्र घर की ही बिजली पे चलने वाली है तो इतनी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 35,000 से इस बिजनेस को आप चालू कर सकते हैं। 35,000 से शुरू करके जी बिल्कुल, बिजली मतलब कि सिंगल फेज से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। जगह कितना जरूरत पड़ेगा? सर हम अगर छोटी मशीन लगा रहे हैं तो आप अपने छोटे से 10x10 के कमरे में अपने बिजनेस को आप अच्छे से रन कर सकते हो। अच्छे से रन कर सकते बिल्कुल हैं। तो ये मैदा गूंथने के लिए भी तो अलग से? जी सर, उसको बोलते हैं प्लांट्री मिक्सचर। अच्छा। उसमें क्या होता है, आपको ब्रेड का मिक्सचर तैयार करना हो, रस का मिक्सचर तैयार करना हो, मतलब सारे मिक्सचर उसमें आपके एक साथ कम से कम 10 से 50 और 100 kg तक का भी आपका प्लांट्री मिक्सचर होता है। वो आपके अनुसार कि आप कितना बनाना चाहते हैं एक दिन में मटेरियल, वो उसी हिसाब से आपका मिक्सचर वो आपको दिया जाता है। उसका तो अलग बजट हो जाएगा मैडम? हाँ जी, नहीं आप साथ में भी ले सकते हैं, आप अगर कॉम्बो में लेंगे तो थोड़ा बहुत आपका नेगोशिएट भी हो जाएगा। हाँ जी, सस्ता पड़ जाएगा। हाँ जी, जैसा कि ये है कि ये आपको ब्रांडेड भी आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी आजकल रस्क बनाने लगी है और छोटी छोटी कंपनियां बनाती है जिसमें देख रहे हैं ये सादा है। हाँ जी, ब्रांडिंग करना चाहे बिल्कुल सर, लोग क्या करती हैं? ब्रांडिंग के लिए ऐसा है कि आपके लिए क्या होगा, इसमें प्रिंटिंग का काम किया जाता है जो कि हमारी तरफ से आपका एक सिलेंडर तैयार किया जाएगा। उससे क्या होगा कि आप अपने नाम की अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करके भी खुद का प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। कोई अगर अननोन पर्सन है, हाँ जी, जानकारी नहीं है बेकरी का जी, उसको आइडिया तो उसको मिल गया कि भाई वो ये बिजनेस करे। हाँ जी, लर्निंग की बात, तो सर लर्निंग की ऐसी बात है कि प्रॉपर हम आपको इसकी ट्रेनिंग देंगे, आपके पास हमारा टेक्नीशियन आएगा, वो आपको सारी नॉलेज देगा, आपको कैसे बेक करेंगे, कितना क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने का उसका अलग अलग टेम्परेचर होता है। अगर आप पिज़्ज़ा का बेस बना रहे हैं, रस्क पापे बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं या फिर बर्गर बना रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए क्या होता है, अलग एक टेम्परेचर होता है, क्वांटिटी होती है कि कैसे उसको बेक किया जाएगा। तो ये सभी नॉलेज आपको हमारे माध्यम से हम आपको दी जाएंगी, लेकिन हमारी हमेशा से यही होती है कि आपको जो हम नॉलेज देंगे मात्र एक या दो दिन की देंगे। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि जो पहले से रेस्टोरेंट का काम करते आए हैं तो उनके लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है,
ठीक है, वो आसानी से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो इस बिज़नेस में जाना चाहते हैं क्योंकि पैसा बहुत है, और पैसा बहुत है तो उस बिज़नेस को क्यों ना किया जाए। तो इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी आपको सपोर्ट करती है, एक जगह जगह पर संस्थाएँ खोलती है, चाहे गाँव हो शहर हो, जिसमें कि आपको 10 से 15 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 1 रुपया भी नहीं लगता, जहाँ पर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कुकिंग से रिलेटेड, कि कैसे क्या क्या डाल के आप उसमें बनाएंगे। एक बेकिंग प्रोसेस सिखाया जाता है, जिसमें कि आपको सबसे अच्छी है कि एक सर्टिफिकेट मिलता है, मान्यता मिलती है, जिसमें कि आपकी अपनी इच्छा है कि आप या तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन, या फिर आप ऑफलाइन भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाके सीख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है सर, अपने अच्छे से कोई चीज़ सीखी हुई है तो लोगों का भी आप पे एक ट्रस्ट है कि इन्होंने एक क्वालिफाइड है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करके बैठे हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है आपको लोन अप्रूवल होने में, क्योंकि काफ़ी लोग छोटे लेवल से अपना बिजनेस चालू करते हैं तो हर किसी पे 35,000 रुपये की पूंजी नहीं होती कि वो लगा सके। तो हम उन्हीं लोगों के लिए ऐसा बिजनेस लेके आए हैं कि आपको गवर्नमेंट का भी प्रोत्साहन मिले और साथ में हमारा भी मिले। तो छोटी पूंजी लगा के कैसे महीने के आप 25 से 50,000 रुपये कमाएंगे, इसी पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी, यानी कि 35,000 रुपये लगा करके आप 50,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं, ये तो मिनिमम हुआ। मैम, ये तो कई तरह का मशीन आता होगा। हाँ जी, बात करें मशीनों की तो ये सर 35,000 रुपये जैसे कि बताया वो छोटी मशीन होती हैं। अगर कोई चाहता है कि हमें बड़ी चाहिए, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं 1 day 2 tray, यानी कि एक साथ आप इसमें 2 tray लगा के आपको तरह तरह की इसमें क्या होती है, डाई मिलती हैं, आप रस की डाई, पापे की डाई, बिस्किट की डाई, सभी सांचे मिलते हैं, जिन्हें सांचा बोला जाता है, वो सभी सांचे आपको इसके साथ मशीन के साथ मिलेंगे। जो भी आप बनाते हैं उसमें 12 पीस 14 पीस ऐसे डाई होती हैं, वो एक बार में आप 2 या 3 डाई लगाते हैं। इसके अलावा बड़े लेवल पे, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें रोटरी आता है, इसमें 16 ट्रे आती है, 72 ट्रे आती है, तो आपकी ऑर्डर के अनुसार हम आपको कस्टमाइज़ करते हैं। लेकिन अधिक से अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए और आप अपने ऑर्डर पे कस्टमाइज़ कराते हैं तो उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़े-बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट में भी इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सर, रेस्टोरेंट में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो हम लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, क्या कहते हैं, बेकरी की कुकीज़ आती हैं, इसके अलावा आपके चीज़ ब्रेड आते हैं, इसके अलावा आपके बेकिंग छोटे छोटे केक आते हैं, लावा चॉकलेट आता है, वो सब बनता कैसे, हमारी छोटी सी मशीन से बनता है। हाँ जी, तो रेस्टोरेंट वाले भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर कोई अपना होटल का बिजनेस कर रहा है, या फिर बड़े लेवल पे रेस्टोरेंट चला रहा है, या फिर किसी मॉल में अपनी शॉप उसने खोली है, या फिर खुद का ही अपना एक शादी फंक्शन का भी बिजनेस करते हैं, जैसे केटरिंग बोला जाता है, तो तरह तरह की सारी मशीन में ही ये यूज होती है आपकी। बिल्कुल, हाँ जी सर, ये भी आपकी नॉर्मल फेज पे चलेगी। हाँ जी। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो बेकरी का बेसिक स्टार्टिंग, जो बिजनेस स्टार्टिंग का जो कैपिटल लगेगा, हाँ जी, पूंजी लगेगा, वो कितना लगेगा सर? कम से कम वो 35,000 लगेगा। 35,000? बिल्कुल। मटेरियल को छोड़ देते हैं। जी, मटेरियल तो सर ऐसा है कि जो आपको हर गांव, कस्बे और शहर में उपलब्ध है, यानी कि मैदा, चीनी, ठीक है, मैदा जो हर जगह मिलता है, चीनी जो लोगों की खुद की उत्पादन होती है गन्ने से, या फिर आटा जो आपको जगह जगह मिलता है, ब्राउन ब्रेड बनाइए, वाइट ब्रेड बनाइए, या फिर बनाइए टोस्ट, सब जगह बनने वाली चीज़ों का मटेरियल एक ही होता है, जो हमारा गेहूं से रिलेटेड होता है। बिल्कुल। ये जो है ये कितना मैदा में तैयार हुआ? ये सर आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या कहते हैं, 1 kg में आपके ऐसे कम से कम 3 से 4 packets तैयार हो जाएंगे। इसमें सर क्वांटिटी लेवल चलती है 250 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg तक इसमें आपका पैकेट मिलता है। तो 250 ग्राम मैदे का ये है, यानी कि 6 से 7 रुपये मैदा का ये है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना पूंजी लगा है और कितना आपको मुनाफा हो सकता है, ऐसे ऐसे कितने पैकेट का आप निर्माण कर सकते हैं। एक दिन में छोटी वाली जो मशीन है, ऐसे ऐसे कितने का प्रोडक्शन कर देती है? अगर आप सिर्फ रस का बात करें मेरे से, तो एक दिन में आप आसानी से कम कुछ भी नहीं 2,000 का माल तैयार कर सकते हैं सेल करके। 2,000 मतलब कितना किलो मैदा?
सर कम से कम आपने अगर 10 kg की पेंट्री ली है तो आप एक दिन में अगर आप 8 घंटे की जगह 5 घंटे भी चला रहे हैं तो कम से कम आपने 5 किलो का माल तैयार, वो 50 kg का माल तैयार किया है। 50 kg का माल तो प्रॉफिट का, और 50 kg का माल का मतलब है आपने एक दिन में 20 से 25 हज़ार रुपये का माल तैयार कर लिया है। 25 हज़ार रुपये का माल तैयार कर लिया, और सबसे बड़ी बात है कि ये खराब नहीं होता जी। हाँ, टेम्परेचर अगर 19 डिग्री हो गया तो लाल होता है, फिर ठेला पे उसी तरह किलो के भाव में बिकता है। बिल्कुल। और अगर टेम्परेचर सही रहा तो पैकेट में जाता है जी। तो यही है, तो आप मुनाफा भी समझ सकते हैं। 35 हज़ार है कि अगर 50 हज़ार 25 हज़ार भी महीना कमाया जाए तो बुरा नहीं है। और मैन पावर की क्या जरूरत पड़ती है? मैन पावर सर, आप सिंगली अगर आप छोटे से चालू कर रहे हैं तो आप किसी भी अपने घर का सपोर्ट ले सकते हैं मिक्सर करने के लिए, और बेक की सारी तो वो एक पर्सन सीख के आएगा। हाँ। तो वो एक अपना खुद कर लेगा, वही कर लेगा जी। अच्छा, इसका गारंटी वारंटी मेंटेनेंस? हाँ जी, मेंटेनेंस की बात करूँ तो सर आपकी 1 साल की वारंटी दी गई है मशीन के साथ, कि आपकी 1 साल में कोई भी, सिर्फ फिजिकल डैमेज को छोड़ के कोई भी तकनीकी खराबी, मशीन काम नहीं करती या कुछ भी होता है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। 1 साल तक कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दीजिए, दर्शक सभी को कन्फ्यूज़न होती है तो मैं बताना चाहूँगी, जो भी हमारा पर्सन जाकि टेक्नीशियन आपके पास आता है तो आपको सिर्फ उनका आने जाने का किराया और उनका रहना वो आपके हैंड से आपको करना पड़ेगा। आने जाने का किराया, रहना, खाना पीना आपका जी है। बिल्कुल। और वो 1 साल के अंदर की बात है। हाँ जी, 1 साल के बाद अगर आप आते हैं तो आपको आने जाने का किराया, खाना पीना और जो खर्च आएगा वो देना है। वो तो परमानेंट ही देना पड़ेगा, फिर सर्विस चार्ज तो 1 साल के बाद देना ही पड़ेगा। वैसे हमको लगता है उससे नौबत नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं सर, अभी तक तो हमें देखिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, मार्केट में इतना अच्छा नाम है, आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी। आउट ऑफ इंडिया क्लाइंट है हमारे, इंडिया में क्लाइंट है, आउट ऑफ सिटी के क्लाइंट हैं, दूर दूर के, तो आज तक कभी दिक्कत नहीं आई कि किसी को टेक्नीशियन की जरूरत पड़े। पूछने ही वाले थे कि सप्लाई कहाँ कहाँ हमने पहले ही बता दिया मतलब कि देश और देश के बाहर ये सप्लाई कर सकती है। बिल्कुल। तो लोकेशन बता जी। लोकेशन की बात करूँ तो ज़्यादा दूर नहीं है आपकी, ये दिल्ली NCR, दिल्ली आने की हर कोई जानता है कहाँ पड़ता है, हमारा यूनाइटेड स्टेट पड़ता है। तो दिल्ली NCR में ही आपकी गाज़ियाबाद लोकेशन है, जहाँ आपका हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे आपका फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग के नाम से आपकी एक कंपनी है जहाँ आप लोगों का स्वागत है। आपके कहने से भी मशीनें हम लोग बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं, और हमारे पास भी तरह तरह की कम से कम 100 से भी ऊपर मशीनें हैं कि आप खुद आके विजिट करेंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी मशीन है। यहाँ पर कई तरह के रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे, हो सकता है कुछ आपके आसपास होता भी होगा और कुछ करना चाहते हैं आप, तो आप एक बार अगर वीडियो देख रहे हैं और बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, स्वरोजगार की ओर अपना कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये एक बेहतर विकल्प है। ये वीडियो और वीडियो में बताया गया कंटेंट के बारे में, मशीन के बारे में, साथ ही और भी मशीन है जो आप अगर चैनल को विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा। मैडम से बात करेंगे, फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे तो मैडम या फिर और कोई इनके साथी सहयोगी उठाएंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। मैडम आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। तो दोस्तों 35,000 में 25 से 50 हज़ार रुपया कमाने का ये अवसर हमको नहीं लगता है कि बुरा है, और ज़्यादा समय नहीं, अगर आप फुल टाइम नहीं करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम में भी आप इसको कर सकते हैं, अपने घर के चौखट पर भी, अगर कहीं सप्लाई नहीं करते हैं तो बना करके घर के चौखट पर भी बेच सकते हैं। अगर क्वालिटी होगी तो लोग आपके पास ज़रूर आएंगे, और माउथ टू माउथ जब पब्लिसिटी होगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। वैसे जैसे जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको फल मिलेगा, उतना ही आपकी आमदनी बढ़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, उसके इंसिल का नमस्कार, जय हिंद।